खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं प्रसिद्ध कलाकार फिल्म एक्टर मनोज जोशी हमारे साथ हैं। मनोज जी, पद्मश्री हो, मैं देख रहा हूँ लाइन लगी पड़ी है। प्रधानमंत्री दूसरी बार इस बार शपथ लेने वाले हैं, आपको लगता है कि जो मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी को मिला है वो रिफ्लेक्ट करता है उनके पिछले काम का, पाँच साल के काम का? 100% पाँच साल में सबका साथ और सबका विकास जो किया है उसी का मैंडेट मिला है, और जातिवाद करके जो डिवाइड एंड रूल करने की जिन लोगों ने कोशिश की थी, जिन पॉलिटिकल पंडितों ने जो भविष्य भाकित किया था, वो सारे कोष्टक नष्ट हो चुके हैं और दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लेने वाले हैं 2014 से भी जबरदस्त मैंडेट के साथ 2019 में वे जीत कर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि 300 पार जाएगी क्योंकि उनका विश्वास था जनता में, जनता के कार्य में, और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, निश्चित रूप से 2019 से 2024 तक निश्चित रूप से वो विश्वास संपादित होगा और भारत निश्चित रूप से 21वीं सदी की ओर निश्चित रूप से जाएगा और विश्व में एक श्रेष्ठ राष्ट्र बन के उभर के आएगा। जो 2014 से भी बड़े मैंडेट की आप बात कर रहे हैं वो सबने देखा, आपको क्या लगता है क्या मुख्य वजह रही, क्यों लोगों ने पिछली बार से भी ज्यादा भरोसा इस बार? मुख्य वजह ये रही, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का काम, और जनता तक पहुंचे थे, जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जिन घर नहीं मिले थे उन्हें घर मिले, शौचालय मिले, आरोग्य की व्यवस्था हो गई गरीब की, जो गरीब नहीं जा पाता था, जिस युवा को अपना खुद का छोटा सा स्टार्टअप करने के लिए मुद्रा योजना के तहत उसे लोन भी मिला, ये सारी योजनाएं जन जन तक पहुंची, जिनको जिनको उपयोगिता थी उन तक वो पहुंची, और उसका ही परिणाम है ये। और दूसरी एक बात कि जो लोगों ने आज तक, मतलब पिछले 70 वर्ष से जिस प्रकार से एक डिवाइड एंड रूल और जाति जाति में भेदा भेद करके वो जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोष्टक नष्ट हो चुका है ये मैंडेट ये कहता है। मजबूत नेतृत्व पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई आपको लगता है वो निश्चित मोदी जी का मजबूत नेतृत्व, और प्रजा ये जानती है इस राष्ट्र की कि ऐसा मजबूत नेतृत्व हमें बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है और यही नेतृत्व चाहिए भारत को आगे ले जाने के लिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान को जवाब दिया, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और ऐसा जवाब, तुरंत जवाब कभी भी आज तक नहीं दिया था, सिर्फ करते हैं हम निषेध करते ही ऐसी ही भाषा बोली थी, यानी कूटनीति हो, विदेश नीति हो, राष्ट्र नीति हो, या जनधन तक जिन जिनको जरूरत है उन तक पहुंचने की नीति हो, ये सारी नीतियों में ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल रही है और 2019 में भी, और इसीलिए ये मैंडेट आया है, और 2019 से 24 तक ये राष्ट्र बहुत प्रगति के पंथ पर जाएगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है, इसलिए बहुत खुश हैं और आज शपथ विधि समारोह में आए हैं और बहुत खुश हैं कि आज नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ ग्रहण करेंगे और उसके हम साक्षी बनेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनोज जोशी, खुद जो खुद गुजरात से भी हैं और प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका कहना है कि जो पिछले 5 साल में कामकाज हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट डाला है, दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर के आए हैं और 2019 से 2024 तक केंद्र सरकार का उन्हीं विकास कार्यों पर ध्यान रहने वाला है। कैमरामैन प्रमोद गुप्ता के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़।